यार इसने इतने ऊपर रूम ले लिया, आने में मेरे को तो बड़ा टाइम लग जाता, थक और जाता। मेरा रूम नीचे इसका ऊपर है। आज या तो ये मेरे रूम में सेट हो जाएगी या मैं इसके रूम। आज तो मैं इसे प्रपोज कर ही दूंगा, चलता हूँ। दरवाजा भी खुला ही रखती है, कोई नहीं, पूछता हूँ। आज प्रपोज करके रहूंगा मैं इसे, फिर कुछ हो जाए। 3 साल मैंने वेस्ट कर दिया यार इसके चक्कर में। 3 साल से मैंने कोई दूसरी भी नहीं पटाई, आज तो इसे पटा के ही रहूंगा जैसे मैं, कैसे करके। चलो चलता हूँ। अरे यार, ये दीपाली को क्या हो गया? आजकल मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं देती है। समझ में नहीं आ रहा इसको हो क्या गया है। अरे ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, कोई बात ही नहीं है। फिर भी उसके बाद भी कितने मैसेज कर दिए मैंने पर कोई रिप्लाई ही नहीं है। यूं तो पता इसको ब्लॉक कर दूं पर क्या करूं, मजबूर हो ना, इसी चीज का फायदा उठा रही है मुझे तो लगता है ऐसा। एक काम करती हूँ, लास्ट मैसेज और करके देखती हूँ। तो कर दिया, अब थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ उसका। अरे यार किसको मैसेज कर दिया? अरे अरे तुम, अरे यार यार एक तो तुम्हें इतने ऊपर मकान ले रखा है, मैं नीचे से आने नहीं लग जाता तो क्या हो गया? पैरों में भी। तो किसने कहा था आने के लिए? कॉल कर देते हैं मुझे। अरे कैसा बेस्ट फ्रेंड मिला यार मुझे। सुन मैं बहुत परेशान हो गया है बेस्ट फ्रेंड लव सुन सुन के। मुझे तुझसे है ना आज एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी है? एक तो मेरा पहले से ही दिमाग खराब है यार। यार किस बात से दिमाग खराब है? क्या यार वो दीपाली है ना, वो ना मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं दे रही है। अरे तुम तो दिवाली दिवाली ऐसे करती रहती हो बार बार जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ हो। है सुन वैसे भी है ना, बॉयफ्रेंड से ज्यादा ही कुछ है वो मेरे लिए। मुझे नहीं पता है, मैं ना तेरे को आज आया हूँ प्रपोज करने और मैं तुझसे ना फ्रेंड नहीं बनना चाहता। मैं बस ये समझ ले मैं प्रपोज करना चाहता हूँ तुझे। अबे पागल वागल है क्या? क्या बातें कर रही है? देख अरे यार देख मेरा दिमाग मत खराब कर, मैंने तेरे चक्कर में 3 साल वेस्ट कर दिए ये समझ ले। सिर्फ तेरे चक्कर में किसी और को नहीं पटाया, किसी और की तरफ देखा भी नहीं। मैं सिर्फ तुझे ही अपना बनाना चाहता हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता बनाना मैंने चाहता हूँ। कहा था क्या मेरा 3 साल 4 साल वेट करने के लिए? और मैं, मुझे है ना वैसे भी इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है मतलब? हाँ देख, मुझे है ना लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है? मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। हाँ मतलब तू हाँ मतलब वो मैं लेस्बियन हूँ। इसलिए तू दीपावली दीपावली 24 घंटे करती रहती है? वो हाँ भी तेरे साथ की जोड़ी है क्या? हाँ क्योंकि मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत करती है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। यार मैं तो तेरे चक्कर में रह गया ना। मैंने कहा था क्या मेरा वेट वेट करने के लिए? तो और मुझे तो पता भी नहीं था कि हाँ तू इन सब लफड़ों में, मैंने तुझे अपना फ्रेंड माना था बस और कुछ नहीं। फिर तूने तो मेरे ना 3 साल वेस्ट करे, अब इस चीज की तो तुझे सजा मिलनी चाहिए मुझे क्यों सजा मिलेगी भला? क्योंकि तूने मेरे 3 साल वेस्ट करे, तो उस चीज की सजा मिलनी चाहिए। मुझे तो पर पता भी नहीं था इन सब चीजों के बारे में। अब देख ले तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो सजा लेके छुटकारा पा, नहीं तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। नहीं, मैं सजा ही नहीं बच लूंगी पर गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। चल ठीक है, वैसे भी मैंने किसी लड़की को मुर्गी बनते हुए आज तो मुर्गी भी बन। मुर्गी? हाँ हाँ मैं कोई मुर्गी मुर्गी नहीं बनने वाली। ठीक तो चले है, मैं तुम्हारे घर आके मुर्गी बनती हूँ। मेरे घर आएगी तो बहुत सारे लोग भी पाएंगे, इधर अकेले में काम निमट जाएगा। हाँ वैसे ही बात तो ठीक है, वहां सब लोग मजाक उड़ाएंगे, इधर ना अकेले में हम दोनों में ही रह जाएंगे। ठीक है, पर उसके बाद तुम यहाँ पर कभी नहीं दिखोगे। ठीक हाँ मैं नहीं दिखूंगा पर मुर्गी बन के दिखा पहले बैठ। है, बनना कहाँ है? अरे यार कहाँ फंसे मैं इसके चक्कर में? मुझे पहले से ही पता होता ना मेरे चक्कर में इतना वेट कर रहा तो कब का इसको रास्ते से हटा दिया होता। मुर्गा बनना पड़ रहा खाना खा। और ये दीपाली, इसको तो मैं छोड़ूंगी, जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से ही हो रहा जल्दी है। अरे यार बन रही हूँ मुर्गी। ठीक है, अब ठीक है। अरे देखो यार लड़कियां ना ऐसे मुर्गी बनते अच्छी नहीं लगती।
और पैरों में भी दर्द होने लग जाता है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं सुबह से लेकर शाम तक मुर्गी बनी रहूं? हो ठीक है, हो गया तेरा। गया, पैरों में दर्द हो गया यार। तो दोस्त नहीं, कसाई कसाई। हाँ आइंदा ना किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाने से पहले बता दियो कि मैं लेस्बियन हूँ, मेरे चक्कर में धोखे में ना रहे। ठीक है, पूरा मूड खराब कर दिया।